ठाकुर मालक, आप सचमुच बाकी ठाकुर मालकों से बहुत अलग हैं। आज तक कभी किसी ठाकुर ने किसी बेड़ने को रुपए के अलावा और कभी कछु ना दिया। वचन, वचन तो बहुत आगे की बात है। सीता मैया हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। लेकिन जो कुछ भी कहा याद रखेगा। तुमने हमें बताया का ही नहीं कि कोई तुम्हारे पास संदूकची छोड़ के गई थी। बात तुम्हारे मतलब की ना थी और हम नहीं जानते थे कि जब बात छोटे ठाकुर मालक के बाबा की है। विक्रम ठाकुर मालक से बात हुई? हाँ माई, उन्होंने हमें वचन दिया कि वो जिंदगी भर हमारा साथ निभाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे हम। वचन सिर्फ साथ निभाने का दिया है या ब्याह का भी? माई उन्होंने कहा ना कि वो जिंदगी भर हमारा हाथ थामे रहेंगे। अरे का भोली भगत बन रही हो नगनिया, गांव के हर लोगों के मुंह पर तो यही बात है। विक्रम ठाकुर मालक और सुगनी को स्कूल में लोगों ने साथ साथ देखा था। नया नया नशा चढ़ाया ठाकुर मालक को जिमौड़ी का, अभी कीमत ले ले अपनी। नशा उतरने के बाद दारू की खाली बोतल और रात साथ रही बेड़नी, दोनों की किस्मत एक सी होती है। दरवाजा खोलकर बाहर फेंक दी जाता है। जे फर्क होता है ब्याह में और हाथ थामने में। अब साफ साफ कहिए, आखिर आप कहना क्या चाहती है? जी जी, वो विक्रम ठाकुर और वो बेड़नी सुगनी, दोनों को लेकर बहुत ही बातें उड़ रही हैं आजकल। कछु लोगों ने तो दोनों को एक साथ बंद कमरे में गांव के स्कूल में देखा भी है। हम कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहते। ये पैसे रखो और हाँ, और चाहिए तो मांग लेना, या महीने के महीने तुम्हारे घर पैसे पहुंचा दिए जाएंगे। एक और बात, इस हवेली की तरफ कभी भी आंख उठाकर मत देखना। लेकिन ठाकुर मालक ने तो, जानते हैं हम कि क्या चल रहा है तुम्हारा विक्रम के साथ। खैर, हम इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहते। हम तुम्हारी माँ की इज्जत करते हैं, इसलिए तुम्हें इज्जत से यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। सुगनी कहीं नहीं जाएगी। इस बारे में हम बात इसके जाने के बाद करेंगे। जी जी, हम कह चुके हैं सुगनी कहीं नहीं जाएगी। किसके लिए तो अपनी बहन के सामने खड़ा हो रहा है? जी जी, उसके लिए जिसको हमने इस घर में रखा है। इस घर में वही होगा जो हम चाहते हैं। जी जी, जो बात हम कहेंगे आपको वो आपको सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, पर हम आपको याद दिला दें कि ये हवेली हमारी है। इस हवेली की दीवारों में कौन सा रंग लगेगा से लेकर इस हवेली की चार दीवारी के अंदर कौन नहीं रहेगा, ये सारे फैसले करने का हक सिर्फ हमें है। तुम हमारी इज्जत करते ना तो हमारा दर्द भी समझते। किसी बेड़नी की सर ढकाई करने का ख्याल तक तुम अपने दिल में नहीं लाते। नहीं लाए जी जी। तो फिर क्या करना चाहते हो उस बेड़नी के साथ तुम? जी जी, वही करना चाहते हैं जो प्यार में इंसान करता है। विक्रम, एक बहन का एक भाई के सामने ऐसा कहना मर्यादा पार करना होगा, मगर हम फिर भी तुमसे कह रहे हैं। विक्रम, हम समझते हैं कि तुम मर्दों की अपनी कुछ जरूरतें होती हैं। अगर किसी शर्म की वजह से तुम उन जरूरतों को प्यार का नाम दे रहे हो तो तुम जो चाहो करो, जब तक चाहो, मगर इस हवेली के बाहर छुप छुपा कर करो। तब तक हम तुम्हारे लिए किसी ठाकुर की संस्कारी बेटी को ढूंढकर तुम्हारी शादी तय करवा देंगे।